कैप्टन कर्नल शेर खान के गांव नवा किल्ली का नाम अब तब्दील करके कर्नल शेर खान किल्ली रख दिया गया है, यानी के कर्नल शेर खान का गांव। कर्नल शेर खान को 1999 में निशाने हैदर से नवाजा गया। खास बात यह थी, शुजात की जिस गवाही की बिना पर उन्हें निशाने हैदर दिया गया, वो गवाही खुद हिंदुस्तानी फौज की तरफ से आई थी। कैप्टन कर्नल शेर खान के मुकाबिल आने वाले भारतीय अफवाज की तादाद भी ज्यादा थी और असलह में भी उनको बर्तरी हासिल थी। कर्नल शेर खान अपने 21 साथियों के हमरा भारतीय फौजियों पर हमला आवर हुए और पोजीशन बदल बदल कर इतनी तेजी से हमले किए कि हिंदुस्तानी फौज का संभलना मुश्किल हो गया। बिलाखिर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद मुसलसल हमलों के बाद सिख रेजिमेंट के कैंप एरिया तक जा पहुंचे। यहां दुश्मन फौज ने उनके गिर्द घेरा डाल लिया। कैंप के कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचने की दिलेराना कोशिश में उन्होंने जामे शहादत नोश किया और उनकी इसी हिम्मत और जुर्रत का एतराफ भारतीय फौज की तरफ से किया गया। शहादत के बाद चंद भारतीय फौजियों ने उनकी लाश को ठोकर मारने की कोशिश की तो उनके एक कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये एक बहादुर इंसान का जज्बे खाकी है और इसकी बेहुर्मती किसी कीमत पर नहीं की जाएगी। कि कैप्टन कर्नल शेर खान का जज्बे खाकी श्रीनगर लाया जाए। शहादत के बाद उनके जज्बे खाकी को दुश्मन की तरफ से भी पूरी इज्जत और एहतराम से नवाजा गया। हिंदुस्तान ने तहरीरी तौर पर कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी का एतराफ किया और कहा कि ये नौजवान मुस्तहिक है कि इसे मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज से नवाजा जाए। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के जज्बे खाकी के हमरा हिंदुस्तान की तरफ से भेजे जाने वाली वो तहरीर आज भी कर्नल शेर खान के खानदान वालों के पास महफूज है। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, वो खुशकिस्मत है जिसे मिल जाए दौलत शहादत की। शहादत पाके हस्ती जिंदा जावेद होती है, ये रंगी शाम सुबह ईद की तमहीद होती है। शहीद इस दारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, जमी पर चांद तारों की मानिंद ताबिंदा रहते हैं।